हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। तो द बहुत बहुत स्वागत है आज दी क्लास। आपा कर रहे सी वेलकम लाइफ सेकंड क्लास दी बुक द फर्स्ट लेसन हेल्थ एंड सैनिटेशन। आओ अगे चल दे हां। गॉट इट, मेनू समझ आ गया कि हुन सानू घर दी साफ सफाई रखनी चाहिदी है, जिवें असी लास्ट क्लास दे विच पढ़िया सी। क्लीन योर हाउस एवरी डे, कीप द डिजीजेस अवे। घर दी सफाई रोज करो, बीमारियां नू दूर रखो, या साफ सुथरा कर, बीमारियां दा नहीं डर। क्लीनिंग ऑफ क्लास एंड स्कूल, जमात अते स्कूल दी सफाई। एक्टिविटी, सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड राउंड अप द आइटम व्हिच इज नॉट एट इट्स प्रॉपर प्लेस। तस्वीर नू ध्यान नाल देखो अते ओना चीजा ते गोला लाओ जो सही थां ते नहीं पईआं। शुरू करदे आं बच्चो, आ देखो आ डेस्क टेबल सही थां ते नहीं है, आ भी नहीं है, ए सारियां चीजा जो सही थां ते नहीं है असी गोले लाते, ए भी इंज पिया है, इत्थे आ टेबल भी सही थां ते नहीं है, कूड़ा बाहर, कूड़ा दान डिग्गिया पिया है, ते ए भी साफ नहीं है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ते सारे जेड़े चेयर ने ते टेबल ने वो इको थां ते नहीं ने। हुन देखो, फॉर टीचर, अध्यापक ले, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द क्लीनिनेस ऑफ द क्लासरूम। हुन अध्यापक जमात ते कमरे विच साफ सफाई प्रति बच्चियां दी समझ परखणगे, ते उस लई ओ कुछ चीजा करनगे। The teacher can deliberately place the things helter-skelter and then ask the students to tell him what is not good about the room today. ते थोड़ी साफ सफाई प्रति जड़ी समझ है उन्हों परखन ले, थोड़े अध्यापक जमात विच कुछ चीजा नू जान पुझ के इधर उधर सिट देंगे, इधर उधर रख देंगे, ए हो सकता है, ते बच्चियां नू पुछेंगे भी की हो सकता है, आज दसो कमरे विच की ठीक नहीं लग रहा। He can assign them the duties in rotation regarding the upkeeping of the classroom, such as proper arrangement of benches, dusting, keeping chalk, duster, dustbin, etc. ते थोड़े टीचर जब तुहानू पुछणगे भी बच्चो दसो आज कमरे विच की ठीक नहीं लग रहा, फिर जमात दे सारे बच्चियां दी बारो बारी एक एक करके साफ सफाई दी ड्यूटी भी लानगे, जिवे की कितना बेंचा नू रखना है, डस्टिंग किवें करनी है, चौक किथे रखना है, डस्टर किथे रखना है, डस्टबिन किथे रखना है, ते सानू सारिया नू बिना शर्म किते साफ सफाई दे काम करने चाहिदे ने, क्योंकि जे आला दुआला साफ होएगा तो सानू भी वधिया लगेगा, वधिया पढ़ाई होएगी। I noted it down. मैं नोट किया, मैं लिख लिया केड़ी केड़ी गल्ला। Cleaning the classroom, जमात दे कमरे दी सफाई। सब तो पहला, to place the things at their proper place, चीज़ा नू सही ढंग नाल उना दी थां ते रखना। Second, not to write on benches, बेंचा उत्ते नहीं लिखना, जिथे असी बैठते हैं बेंच टेबल उत्ते नहीं लिखना। Not to write on the walls, दवारा उत्ते नहीं लिखना, गलत गल है। Fourth, to put the wastes and pencil peels in the dustbin, कागज ते पेंसिल दे जड़े छिलके हैं उना नू आपा नू कूड़े दान विच ही पाना चाहिदा है। आगे, cleaning of school, स्कूल दी सफाई। Notice board, जिथे बच्चों सारी जरूरी चीजा लिखिया हुंदी है ना स्कूल बारे, ओनू आपा नोटिस बोर्ड बोलते हैं। आओ शुरू करिए। सब तो पहली स्कूल दी सफाई विच, डोंट लिटर द क्लासरूम, जमात दे कमरे विच कूड़ा करकट ना सुट्टो। दूजा, डोंट ब्रेक द फर्नीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल दे टेबल ते कुर्सियां नू ना तोड़ो। फर्नीचर यानी कि जिदा जिवे अपना टेबल ते कुर्सियां हो गई। कीप द टॉयलेट्स क्लीन, टॉयलेट नू भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, पैखाने नू भी। डोंट थ्रो वेस्ट पेपर्स एंड बिट्स ऑफ चॉक्स हियर एंड देयर, कागज ते चाक दे जिहड़े टुकड़े ने इधर उधर नहीं सिटने चाहिए।
डोंट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, फूल अते पत्ते ना तोड़ो, डोंट लेट द टैप्स रन व्हेन नॉट इन यूज, टूटियां खुलिया ना छड़ो जद उन्होंने तुसी वर्त नहीं रहे उन्होंने बंद कर दो, ओरल क्वेश्चन यानी कि मौखिक प्रश्न, पहला हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप द क्लासरूम क्लीन, जमात दे कमरे नू साफ रखने की जिम्मेवारी किस दी है, द टीचर थोड़े अध्यापक दी, द चिल्ड्रन बच्चियां दी, बोथ द टीचर एंड द चिल्ड्रन अध्यापक ते बच्चियां दोनों दी, द हेड मास्टर या थोड़े मुख अध्यापक दी, बच्चो क्लास नू साफ रखना टीचर ते बच्चियां दोनों दी जिम्मेदारी है, टीचर थोनू भी जिम्मेदारी देंगे, Which of the following things make a classroom dirty? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? First, garbage, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਦੂਜਾ pencil peels, pencil ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ pencil ਤੇ sharpener use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Third, pieces of paper, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, Fourth, with all of these, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੀਪ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੀਪ ਦ ਟੋਇਲੇਟਸ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਇਲੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਟਿਕ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਨੰਬਰ 1, ਫਲੱਸ਼ ਵਾਟਰ ਆਫਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟੋਇਲੇਟ, ਟੋਇਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਾਸ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦ ਸੋਪ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਸ਼ ਦ ਸੋਪ ਆਫਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਫੋਰ ਡਰਾਇੰਗ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਸ਼ ਦ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਵਿਦ ਫਿਨਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਾਇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕਲੀਨ ਦ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਲੇਟ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕੀਪਿੰਗ ਦ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਡਰਟੀ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਫਲਾਈਜ਼, cause bad smell and we can fall sick. Tonu pata hai jekar tusi toilet seat nu ganda rakhoge ta makhiyan aangiyan badbu aayegi ate assi vi bimar ho sakte hain, ta agge to tusi dhyan rakhiyo. Does your house have a toilet? Ki tode ghar vich toilet hai? Hanji, yes. Je nahi ta no likhiyo. Who cleans it? ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਕਲੀਨ ਇਟ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲੇਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਬਾਥ ਐਂਡ ਬਰੱਸ਼ ਮਾਈ ਟੀਥ, ਰੋਜ਼ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈ ਨੇਲਸ, ਨੋ ਕੱਟਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਥਰਡ ਲੀਵਿੰਗ ਫੂਡ ਟੂ ਵੇਸਟ, ਖਾਣਾ ਜੂਠਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥਰੋਇੰਗ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਕੂੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੈਟਿੰਗ ਦ ਡੋਰਸ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਓਪਨ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਸੋਪ, ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਫਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੋਇਲੇਟ, ਟੋਇਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਓਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਡੂ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਟੋਇਲੇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਗੈਟ ਡਰਟੀ, ਟੋਇਲੇਟ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ
कीप द डोर ऑफ द टॉयलेट शट, टॉयलेट का दरवाजा बंद करके रखना चाहिए है। बी पार्ट, वी शुड गो आउट ऑफ द हाउस फॉर डेफिकेटिंग, यानी कि टॉयलेट करने लिए घर तो बाहर जाना चाहिए ताकि घर का टॉयलेट साफ रहे। तीजा, वी शुड क्लीन द टॉयलेट एवरी डे, टॉयलेट रोजाना साफ करना चाहिए है। चौथा, वी शुड किल द फ्लाइज, मक्खियां मारना। बच्चों ये बहुत जरूरी है, वी टॉयलेट रोज साफ करना चाहिए है। दूजा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड, हे दित्या विचों किस विच टॉयलेट बनिया हुंदा है। नंबर वन, इन द हाउस, घर विच टॉयलेट हुंदा है। नंबर टू, इन द स्कूल, स्कूल विच। थ्री, इन द हॉस्पिटल, हस्पताल विच। या डी, इन ऑल ऑफ द अबव, एना सारिया विच टॉयलेट होना चाहिए है, एना सारिया विच। ठीक है बच्चों, ते ए सी अज दी क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ थानू समझ आ गया होएगा, ते तुसी भी ध्यान रखोगे भी शरीर दी सफाई होनी चाहिए है, घर दी होनी चाहिए है, जमात दी होनी चाहिए है, सफाई स्कूल दी होनी चाहिए है, ते हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए है। बहुत सारी वधिया गल्लां असी सीखी अज, ते मैं उम्मीद करती हूँ तुसी इहनू लागू भी करोगे। हुण आपां अगली क्लास मिलांगे, तद तक टेक केयर, बाय बाय।